करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातें करी थी, काफी बातें हो चुकी हमारी बायोडाइवर्सिटी में, छोटे छोटे से टॉपिक है। तो आज का अपना टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी में, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अच्छा कहाँ तक हुई थी पहले मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा याद दिलाओ। जहां तक मुझे याद है कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट मैंने बता दिया था, एम आई राइट? डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट, यस सर। डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हो सकता है रेन भी ना हो, और एक्सट्रीम कंडीशन में पूरा का पूरा डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, पूरा एरिया डिजर्ट बन जाएगा, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आज हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, चलो जंगल को बचाने की बात की जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जंगल बचाना है। जंगल केवल बचाना ही नहीं है, जो बर्बाद हुए हैं उसे मैनेज भी करना है। मैंने आपको बताया था 20वीं सदी जब शुरू हो रहा था, 20th century, तो हमारे इंडिया में लैंड पर अप्रोक्स 30% फॉरेस्ट था, और 20वीं सदी के अंत में ये 30% से रिड्यूस करके 19.4% हो गया, जिसमें घना जंगल केवल 12% है लैंड पर। यानी कि हमने इतने सालों में डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा किया है। तो जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसको मैनेज भी करना है, और जो बचा है उसको बचा के भी रखना है, दोनों ही बातें करनी है। यानी कि प्रोटेक्शन भी करना है जो बचा हुआ है उसका, प्रोटेक्शन भी करना है जो खोया है उसका, प्रोडक्शन भी करना है। हेलो, जो खोया है उसका प्रोडक्शन भी करना है, और जो बचा है उसका प्रोटेक्शन भी करना है। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, और ये तरीका बस ये है कि किसी भी तरीके से हम जंगलों को बचा लें, और इसके लिए हमारी सरकार गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, वो कई कई अलग अलग प्रोग्राम्स लाती है, और फिर कई सारे प्लेसेस को अलग तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कई सारे प्लेसेस को हम लोग वाइल्ड लाइफ घोषित कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क या नेशनल पार्क या बॉटनिकल गार्डन, इस टाइप का। तो अगर आपको जंगल बचाना है, हम जंगल बचाने की बात कर रहे हैं, तो लाइक की नेशनल पार्क, क्या बोला मैंने, नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्वायर, क्या बोला मैंने, बायोस्फीयर रिजर्वायर। क्या होता है समझिएगा ध्यान से, नेशनल पार्क कोई पार्क नहीं होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पर आप प्लांट और एनिमल दोनों का प्रोटेक्शन करते हैं। नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल जो हैं वहां उसको वहीं पर उसी के जहां है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां पर उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और हो सके तो कहीं ऐसे एनिमल जहां पर जो अलग अकेला रह रहा है वहां पर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो उसको भी लाके पुट आउट कर देते हैं उसी में, पुट इन कर देते हैं उसी में। बायोस्फीयर रिजर्वायर क्या होता है, ऐसा कोई जगह जहां पर प्लांट एनिमल वगैरह रह रहे थे लेकिन वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड थे, उसको कहीं उठा के भी नहीं ले जा सकता है, तो उस प्लांट को वहीं पे प्रोटेक्शन दो, एनिमल को भी दो, साथ में वहां के जो एबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे वहां का क्लाइमेट हो, सॉइल हो, जो भी हो, वहां के एबायोटिक फैक्टर को भी प्रोटेक्शन दो। तो जब केवल प्लांट एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए किसी एरिया को घोषित किया जाए कि ये एरिया आज से प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्लांट एनिमल के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो उस एरिया को नेशनल पार्क कहने लगते हैं। और अगर प्लांट एनिमल और एबायोटिक फैक्टर के को भी उसके साथ प्रोटेक्शन देने लगे तो बायोस्फीयर रिजर्वायर कहलाता है। हमारे देश में कई सारे नेशनल पार्क, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्वायर है जिसकी बात हम करेंगे। एक टर्म और आता है, वो जंगल से के कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन आगे आएगा मैं बता देता हूँ। एक टर्म और आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो कई बार आपको वाइवा में ऐसे जनरली पूछ रहे रहता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वायर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डिफरेंसेस इज दैट नेशनल पार्क इज ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्वायर, बायोस्फीयर बोल दिया ना, बायोस्फीयर मतलब लिविंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग्स भी आ गए ना, बायोस्फीयर उसके चारों जो है प्लांट एनिमल एंड वहां के जो भी एबायोटिक फैक्टर है उसका भी प्रोटेक्शन, मतलब की स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज ऑल, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, जहां पे केवल एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए एरिया घोषित कर दिया गया है,
तो मुझे बताओ इस कदर नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्वायर के तहत क्या हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फिर इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बना था 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार ने ये मैनेजमेंट बनाया एक तरीके का, ठीक है। और इसमें बोला गया, इसमें कई सारे अधिकारी अपॉइंट किए गए और उनको बोला गया कि आप जाओ गांव के लोगों को बोलो कि आपके आसपास जो जंगल है उसके प्रोडक्ट आपको वो ला कर दे। इसके लिए गांव के लोग ऐसे फ्री में काम नहीं करेंगे। तो मकसद ये था कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990 में आई और ये गांव के लोगों को जाके बोलती थी आपके आसपास जो भी जंगल है उसका प्रोडक्ट मुझे ला के दो और अगर आप मुझे उसका प्रोडक्ट ला के दोगे तो मैं मार्केट से ज्यादा पैसा आपको दूंगा, मतलब सरकार आपको ज्यादा पैसा देगी। तो गांव के लोगों को बात पैसा किया गई तो गांव के लोग क्या सोचते थे कि जंगल को काटना नहीं है क्योंकि इसके प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मांगती है सरकार और उसका पैसा देती है मुझे जिसके लिए जंगल का रहना जरूरी है, तो जंगल को नहीं काटते, बात पैसे की है। तो इस कदर वो लोग ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरह जंगल को बचाना शुरू किए, ठीक है। इसमें ये स्टार्टअप था गवर्नमेंट का लेकिन पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट था। कैसे कि उनको बोला गया कि आप अपने आसपास के जंगलों को प्रोटेक्ट करो, उसके जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट लाके हमें तो हम आपको पैसा देंगे। यही चीज अगर आप मार्केट में बेचते हो उसके दोगुना तीन गुना ज्यादा पैसा, तो एक ये भी तहत हुआ। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो हम आपको पोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चिपको मूवमेंट, नंदा देवी मतलब कि एक लेडी थी नंदा देवी, उन्होंने भी एक बड़ा स्टेप उठाया था जंगलों को बचाने के लिए। आजकल तो उनके नाम से अवार्ड भी देने लग गए हैं। तो ये बातें भी हम करेंगे पोल्यूशन वाले चैप्टर में, देखा एनसीटी में वहीं पे करेंगे। लेकिन ऐसी तमाम चीजें जो जंगल जहां है उसको वहीं पर प्रोटेक्ट करना है। अगर प्रोटेक्शन का बात आया तो वो प्रोटेक्शन है और वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक तरीका है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रोटेक्शन पर। यहाँ पे ये बातें नहीं हो रही है कि जो जंगल उसको बचाना है, बातें ये हो रही है कि हमने इतने दिनों में जंगल को खोया है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि फिर से जंगल को क्रिएट किया जाए, ठीक है। परमानेंट नहीं, टेम्पररी ही तो क्रिएट कर लें। तो इसमें प्रोडक्शन कंजर्वेशन में दो तरीके के बातें होती है। एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री, क्या होता है, एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री और एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। समझेगा, सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जैसे आपके घर के आसपास कोई ऐसा जगह है जो सरकारी जगह है जहां पर कोई ना सरकारी बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, कुछ बनाया और वो कई सालों से खाली पड़ा है, तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए और वहां जाके पेड़ लगा दीजिए। सरकार आपको पेड़ लगाने में कभी मना नहीं करती, आप सरकारी जमीन में जाके पेड़ लगाइए सरकार आपको कभी मना नहीं करेगी, लेकिन आप सरकारी जमीन से पेड़ काट लीजिए सरकार आपका जीना हराम कर देगी। एक पेड़ काट के तो देख लो, सरकारी अधिकारियों को पता तो चल जाए, जीना हराम ना कर दे तो बोल देना, इतना स्ट्रिक्ट नियम बन चुका है। हाँ, लेकिन आप सरकारी जमीन में जाके पेड़ लगाइए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, हो सके तो आपको सवासी ही देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सरकारी जमीन आपको दिख जाए, रेलवे के किनारे बहुत सारे जगह होते हैं जैसे जो खाली पड़े हैं, आप वहां जाके पेड़ लगा दीजिए, सरकार आपको कतई मना नहीं करेगी, लेकिन रेलवे के किनारे जाके पेड़ काट के दिखा दीजिए, अगर आप जेल ना चले गए तो आप मुझे कह दीजिएगा। तो ऐसे जगहों पर जाके आप पेड़ लगाइए जहां पर जगह खाली पड़ा है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का इलाका हो या फिर अगर किसी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो तो उनसे आप परमिशन लेके वहां पे पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि वो उनका पर्सनल जगह है। तो आने वाले दिनों में वो अगर काट भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक वो जगह खाली पड़ा रहेगा तब तक तो लगा रहेगा ना, तब तक एनवायरमेंट को फायदा तो देगा ना। कुल मिला के खाली जगह को जो अनयूज्ड एरिया है वहां पर आप क्या कर दीजिए, फॉरेस्ट्री कर दीजिए, इसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। अब आता है एग्रो फॉरेस्ट्री में दो वर्ड है, एक वर्ड है एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल, यानी कि जंगल के साथ खेती। तो इसमें दो तरीके की बातें हैं। एक तो ये बातें हैं कि मान लो कि एक कट्ठा का जगह है ये, ओके, एक कट्ठा का जगह है। अब मान लो कि किसान यहाँ पे कोई ऐसा चीज उगाते हैं जो सीजनल प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल कि वो यहाँ पे गेहूं उगाए और वो केवल गेहूं की खेती करते हैं, सपोज दैट कि वो 6 महीने यहाँ पे गेहूं उगाए, मान लो कि 6 महीने का पूरा उनका ये एरिया कवर अप रहा गेहूं के खेती से। फिर उसने क्या किया, चूंकि कोई सीजन था नहीं तो उन्होंने इस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, कहते हैं कि अगर यहाँ पे 6 महीना किसी भी प्रकार का अगर आपने एग्रीकल्चर लगाया और 6 महीना आपका लैंड खाली जा रहा है तो तब तक के लिए ऐसा कोई ट्री लगा दो, ऐसा कोई चीज लगा दो जिससे एटलीस्ट एनवायरमेंट में एनवायरमेंट का CO2 अपटेक करे, वो एनवायरमेंट में O2 रिलीज कर ले, एटलीस्ट ऐसा कोई पेड़ लगा दो। वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा तो क्या दिक्कत है,
पेड़ लगा के छोड़ दो, देन फिर जब समय पूर जाएगा, चूंकि आपका वो निजी जमीन है तो आप उसको काट देना, वहीं पे जला देना, राख मिल जाएगा, आप ही के जमीन में आपका मिनरल रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो उस जगह को खाली ना छोड़ें। तो ऐसे को भी कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री फर्स्ट, यानी कि टाइम इंटरवल पर जगह को खाली नहीं छोड़ना है, पेड़ लगाए रखना है, कोई ना कोई पेड़ लगाए रखना है, चाहे वो आपको खाने वाला प्रोडक्ट दे या नहीं दे। पेड़ है तो एनवायरमेंट से CO2 लेगा, एनवायरमेंट में छोड़ेगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड वन, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज दैट कि आप 6 महीना गेहूं लगाए, 6 महीना आप जगह को खाली छोड़ रहे हैं, तो एक काम करो ना, 100 को शीशम के पेड़ लगा के छोड़ दो, छोटे छोटे पेड़, तो 6 महीने में पेड़ बड़े हो जाएंगे, देन वो बेच देना आप, जब तक बड़े होंगे तब तक एनवायरमेंट को भी फायदा देगा, बड़ा होगा तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, बड़ा पेड़ बिकता है ना, शीशम का सागवान का, जिससे लकड़ी मिलता है, बेच देना, आपका पैसा को भी फायदा हो जाएगा। तो ये इन चीजों के लिए किसानों को मोटिवेट करना चाहिए, किसानों को इन चीजों के लिए प्रमोट करना चाहिए। उनके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो अगर आप धनी हैं, अगर आप एवरेज फैमिली से हैं, तो उनको थोड़ा सा मनी सपोर्ट भी कर देना चाहिए, उनको दिमाग देना चाहिए कि देखिए इससे आपका फायदा है, फर्स्ट पॉइंट। यानी कि किसी भी तरीके से जगह खाली नहीं छोड़ना है, जगह खाली नहीं छोड़ना, इसका मतलब कि घर बना लिए, सर बोले थे जगह खाली नहीं छोड़ना, घर बना लेते हैं, बोले थे जगह खाली नहीं छोड़ना है, ईटा गिराए घर बना दिए, ऐसा नहीं, जगह खाली नहीं छोड़ना है मतलब पेड़ से उपाय करना है, जंगल ही जंगल क्रिएट कर देना हर जगह, ये बोला जा रहा है। सेकेंड वन, एक काम, अगर मान लो कि किसान 12 महीना यहाँ पे खेती करते हैं, 6 महीना गेहूं उगा लिया, अब 6 महीना कोई दूसरा फसल का, मान लो सूरजमुखी का 6 महीना चल रहा है, ऐसे मतलब सालों भर वो खेती कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो सालों भर ऐसे प्लांट का खेती कर रहे हैं जो हर्बेसियस प्लांट, जब गेहूं हो, मक्का हो, ये सब ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट हर्बेसियस प्लांट ही होते हैं, जिनको सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो साइंटिस्ट मतलब कि इकोलॉजिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं कि अगर संभव हो पाए तो आप अपने खेतों में ऐसा ट्री लगाइए जिसका कैनोपी कम हो, कैनोपी कम मतलब ऊपर का सरफेस एरिया कम, तो आप क्या कीजिए, इसको रो में डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये एक रो हो गया ब्लू वाला रो, फिर एक रो छोड़ दिया, फिर ये ब्लू वाला रो, फिर एक रो छोड़ दिया, फिर ब्लू वाला रो, और ब्लू ब्लू के बीच में मान लो कि पिंक वाला रो है, ठीक है, ये है पिंक वाला रो, फिर ब्लू वाला, फिर पिंक वाला, फिर ब्लू वाला, तो अब आप क्या करो कि इसमें लगा दो बड़े बड़े ट्री जिसका कैनोपी बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि बहुत बड़ा एरिया ले ले या फिर पूरे खेते में अंधकार हो जाए, नहीं, ऐसा ट्री लगाओ जिससे क्या हो, सनलाइट जो बगल वाले एरो है उसमें पहुंच पाए। अब इसमें आप क्या करो, इसमें आप क्या करो उगा दो छोटे छोटे प्लांट, चाहे वो आपका जो भी क्रॉप है, गेहूं है, मक्का है, सूरजमुखी है, जो भी है, इसमें आप उगा दो, इस रो में। अदरवाइज आप ऐसे भी गौर करना, जब खेतों में किसान उगाते हैं तो ऐसे भी जैसे एक पूरा रो में मक्का, एक पूरा रो में गेहूं, तो उसके बीच में स्पेस तो रहता ही है ना, तो थोड़ा सा बड़ा स्पेस दे दो, तो जंगल के साथ खेती करो। अब किसान बोलेंगे नहीं हम क्यों करेंगे, हम तो पूरे में गेहूं लगा देंगे तो हमको फायदा ही होगा ना, तो उनको दिमाग दो, उनको क्या दिमाग दो कि देखिए आप लगाइए पूरे में, आप पैसा ही जोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली आप पैसा ही जोड़ रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप इस बड़े बड़े रो में क्या करो, शीशम का पेड़ लगा दो, सागवान का लगा दो, जिसे लकड़ी मिलता है, जो महंगा बिकता है वो लगा दो, ठीक है। अब आपका निजी जमीन है, सरकार आपको काटने से मना तो करेगी नहीं, आपका निजी जमीन है, आप काटो, 6 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं, साल भर के बाद काट लो, काटो क्या उसको, वो जो लोग खरीदते हैं नर्सरी वाले, वो उनका टीम आएगा पूरा प्रॉपर वे में, उसको उखाड़ के लेके जाएगा और आपको पटरी पैसा दे देगा। अब आप वो पैसा जोड़ के देख लो, गेहूं से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, मक्का से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, सूरजमुखी से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, तो किसानों को समझ में आ जाएगा भाई ज्यादा मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर ठीक है किसानों का फायदा हुआ इसमें, लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ, हमारा मतलब इकोलॉजिस्ट का क्या फायदा हुआ है। अगर गेहूं उगता तो उससे CO2 अपटेक और O2 रिलीज कम होता, क्योंकि उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं, अगर ट्री है तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा है। देन मैं आपको फोटोसिंथेसिस में कई सारे फोटोसिंथेटिक पाथवे भी बताऊंगा, C4 C3, तो उस बिहाफ पे भी आप डिसाइड कर लो कि C3 C4 में से कौन बढ़िया है, वो भी लगा सकते हो। मतलब कुल मिला के एनवायरमेंट के जो पोल्यूशन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप फॉरेस्ट्री को प्रमोट करो, एक तो प्रोडक्शन फॉरेस्ट कंजर्वेशन से और एक प्रोडक्शन से। एक बार बताओ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको जितना भी बात बताया प्रोडक्शन में, क्या ये सब कुछ पैसा से लेन देन पे चल रहा है, तो क्या आप इसको कमर्शियल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली यहाँ पर बेचने की ही तो बातें हो रही है ना। एक बार बताओ आप सरकारी जमीन में पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन सरकारी जमीन का पेड़ नहीं काट सकते हैं, लेकिन जिस दिन सरकार को मन होगा कि वहां पे एक सरकारी स्कूल बनाना है, सरकारी अस्पताल बनाना है, रोड बनाना है, सरकार पेड़ काट लेगी, आप रोक पाएंगे क्या, नहीं ना, सरकार पेड़ काट लेगी, हम नहीं रोक पाएंगे, उल्टे सरकार अपना लकड़ी भी बेच लेगी, ठीक है।
लकड़ी बेच लेगी या उसी मकान में जो वहां पर अस्पताल बनने वाला है, स्कूल बनने वाला है, उसी में फर्नीचर के तौर पर उस लकड़ी को यूज कर लिया जाए, तो कुल मिला के कॉमर्शियल यूज तो हो जाएगा ना उसका। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्शन कंजर्वेशन को हम कॉमर्शियल कंजर्वेशन, ओके, और इसको बोलेंगे प्रोडक्शन कंजर्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके अलावा और भी कई सारे मतलब कि सोशल रोल हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जैसे मैंने बोला JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो एक सरकारी पहल था। इसके अलावा कुछ इस देश में, हमारे भारत में और आउट ऑफ इंडिया भी कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए हैं कई बार, जो जंगल को बचाने के लिए बड़ा मूवमेंट हुआ। जैसे उसमें बेस्ट एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। लोगों ने पेड़ के साथ चिपक गया और लोगों ने माना नहीं, काटने वाले लोगों ने माना नहीं और कई लोग पेड़ के साथ काटे गए थे। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था जंगल को बचाने के लिए। सारी कहानी है, भावनात्मक कहानी है, मैं आपको सुना दूंगा पुलिस, ठीक है। तो ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा सुन के, मुझे पता है आपको केवल अच्छा ही लगा होगा। आप जंगल को कितना बचाएंगे वो भी मुझे पता है, ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि आप तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इट इज कंडक्टेड बाय टू मेथड, वन इज प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री, ठीक है। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, उसको कंजर्व करना और क्या, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्शन और कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। मतलब दो तरीके के फॉरेस्ट्री, एक तो बिल्कुल बचाने वाली बात और एक पैसा वाली बात, ठीक है। बचाने वाली बात में वही बात है, नेशनल पार्क बना लीजिए प्लांट एनिमल के प्रोडक्शन के लिए, बायोस्फीयर रिजर्वायर बना लीजिए, सिर्फ सरकार बनाती है, ठीक है, सरकार घोषित करती है। ऐसा नहीं कि तुम गए अपने घर के बगल वाले इलाकों को इकट्ठा को क्या किया, बाउंड्री लगा दिए, घोषित कर दिए नेशनल पार्क, ऐसे थोड़ी होता है भाई, बहुत उसमें साइंटिफिक चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्वायर में प्रोडक्शन एनिमल प्लांट और एबायोटिक फैक्टर सभी का होता है, उसमें किसी का एंट्री नहीं होता। मैं आपको बायोस्फीयर बताऊंगा भी सही अभी, ठीक है, उसमें किसी का एंट्री अलाउड नहीं होता। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केवल एनिमल के प्रोडक्शन, ठीक है। देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और कमर्शियल फॉरेस्ट्री दो प्रकार का होता है। सोशल फॉरेस्ट्री, जो अनयूज्ड एरिया है, अनयूज्ड फार्मलैंड है, रोड साइड हो, रेल साइड हो, ठीक है, और भी कोई भी ऐसा कम्युनिटी लैंड जहाँ पर सालों साल से कोई नहीं रह रहा हो, जाके खाली जगह पर आओ, लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत आता है, बंगला आता है, फलना आता है, ढिगना आता है, आप वहाँ जाके पेड़ लगा दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरा है एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री में वही बात, फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर, उसी का पार्ट है, सुनना, उसी का पार्ट है टोंग्या सिस्टम। ये टोंग्या सिस्टम क्या है, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि एरो एरो में क्या करो, गेहूं लगा दो, एरो एरो में क्या करो, ट्री लगा दो, मतलब एग्रीकल्चर विथ फॉरेस्ट्री इन रो। तो ऐसा अगर किया जाए इन रो, तो उसको बोलते हैं टोंग्या सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बोलो समझ में आया, यहां तक किसी को देखा तो पूछ लो। अब भाई अभिषेक? नो सर। ठीक, नो सर। राजेश्वरी? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं।